गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट फोर को कंटिन्यू करते हुए आज प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड्स डिस्कस करेंगे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं द नेचुरल अल्फा अमीनो एसिड्स आर कलरलेस स्टेबल हाई मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड्स मोस्ट आर सॉलेबल इन वाटर एटलीस्ट टू सम एक्सटेंट एंड आर सॉलेबल इन कॉमन ऑर्गेनिक सॉलवेंट्स द एक्वास सोल्यूशन ऑफ अमीनो एसिड्स इज न्यूट्रल एंड हैज हाई टाइपोल मूवमेंट जो नेचुरल एल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं वो कलरलेस होते हैं स्टेबल होते हैं हाई मेल्टिंग सॉलिड्स होते हैं वाटर में सॉलेबल होते हैं और कॉमन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में भी ये सॉलेबल होते हैं और इनका जो एक्स सोल्यूशन होता है वो न्यूट्रल होता है जैसे कि आप जानते हैं इनमें अमीनो और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों ग्रुप प्रेजेंट होते हैं इसलिए और इनका डाइपोल मूवमेंट बहुत हाई होता है अब केमिकल प्रॉपर्टीज अमीनो एसिड्स शो द रियक्शन्स ऑफ बोथ द अमीनो एंड द कार्बोक्सलिक ग्रुप्स अमीनो ग्रुप की और कार्बोक्सलिक ग्रुप की दोनों ही रिले दोनों ही रिएक्शन ये शो करते हैं तो एक एक करके डिस्कस करते हैं तो पहले रिएक्शन ड्यू टू अमीन ग्रुप अमीनो ग्रुप डिस्कस करते हैं सॉल्ट फॉर्मेशन

इसमें जो नाइट्रोजन होता है उसके पास एक लोन प्रेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है इस वजह से ये सॉल्ट फॉर्म कर लेते हैं एच के साथ रिएक्ट uh, करके अमीनो एसिड हाइड्रोक्लोराइड फॉर्म होता है एल्काइलेशन इन बेसिक सोल्यूशन द अमीनो ग्रुप ऑफ एन अमीनो एसिड इज न्यूक्लियोफिलिक एंड कैन डिस्प्लेस

बेसिक सोल्यूशन में ये जो अमीनो ग्रुप है वो न्यूक्लियो की तरह बिहेव करता है और ये जो एल्किल एल्केलाइड में से हेलोजन को रिप्लेस कर देता है इस तरह से आप देखिए कि अमीनो एसिड्स का सी एच थ्री आई से रिएक्शन करवाया गया है तो एक एच की जगह यहाँ पर आर ग्रुप यानी कि सी एच थ्री ग्रुप, ग्रुप आ गया है और इसी तरीके से जब हम एक्सेस ऑफ एल्किल एल्किलाइड लेते हैं तो नाइट्रोजन के जितने भी नाइट्रोजन के पास जितने भी हाइड्रोजन होते हैं मतलब तीन हाइड्रोजन यहाँ पर जो हैं वो सब रिप्लेस हो गए हैं और ये बीटेन फॉर्म हो गया है एसाइलेशन दे कैन बी एसाइलेटेड विद एसिटाइल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड similarly benzoylation can be also be um, done using benzoyl chloride amino acids jo hain wo acetyl chloride ke sath reaction karke acetyl glycine form kar lete hain इसी तरीके से अगर वो बें benzoyl बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो हिप्यूरिक एसिड फॉर्म होता है action of nitrous acid on treatment on treatment with nitrous acid they liberate nitrogen quarter, uh, quantitatively forming hydroxy acid this reaction is useful for estimation of amino group amino acids uh, nitrous acid ke reaction karke, um, hydroxy acids फॉर्म करते हैं और नाइट्रोजन गैस निकलती है आ, ये जो रिएक्शन है वो एस्टिमेशन ऑफ अमीनो ग्रुप के लिए यूजफुल है आ, मतलब कि अगर हमें ये पता करना है कि किसी भी कार्बो अमीनो एसिड्स में आ, कितने अमीनो ग्रुप प्रेजेंट हैं तो हम ये इसके थ्रू एस्टिमेशन करके आ, पता कर सकते हैं यह रिएक्शन एस्टिमेशन ऑफ अमीनो ग्रुप के लिए यूजफुल है इसके बाद है एक्शन ऑफ नाइट्रोसिल क्लोराइड नाइट्रोसिल क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्फा अमीनो एसिड टू फॉर्म एल्फा हेलो एसिड्स अमीनो एसिड एनओसीएल के साथ रिएक्शन करके एनएच टू ग्रुप को सीएल हेलो सीएल uh, के साथ रिप्लेस कर देते हैं नाइट्रोजन गैस निकल जाती है तो ये हेलो एसिड्स जो है वो फॉर्म हो जाते हैं इसके बाद एक्शन ऑफ फॉर्मेल डिहाइड फॉर्मेल डिहाइड रिएक्ट विद अमीनो ग्रुप टू फॉर्म अ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स यहां पर देखिए फॉर्मेल डिहाइड अमीनो एसिड्स के साथ रिएक्शन करके मिथाइलिन ग्लाइसिन बना रहा है और अगर आ, ये ज़्यादा फॉर्मेलिटी की क्वांटिटी ज़्यादा में हम यूज़ करें तो वो डाई मिथाइल डाई मिथाइलॉल ग्लाइसिन फॉर्म करता है दीज प्रोडक्ट्स आर मोर एसिडिक एज दे डू नॉट हैव अमीनो ग्रुप इसमें ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो ज्यादा एसिडिक होते हैं क्योंकि इनमें अमीनो ग्रुप नहीं होता है देअर फोर अ स्टैंडर्ड एल्कली कैन बी यूज फॉर क्वान्टिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ अमीनो एसिड्स इसके बाद ये तो रिएक्शन थे जो कि अमीनो ग्रुप की वजह से हो रहे थे अब रिएक्शंस ड्यू टू कार्बोक्सलिक ग्रुप कार्बोक्सलिक ग्रुप की वजह से कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं सबसे पहला रिएक्शन है एस्ट्रीफिकेशन अमीनो एसिड्स व्हेन हीटेड विद एल्कोहल्स इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड फॉर्म्स एस्टर हाइड्रोक्लोराइड अमीनो एसिड है एल्कोहल के साथ रिएक्शन हुआ ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड है तो इसमें एस्टर uh, जो है वो फॉर्म हो गया एस्टर हाइड्रोक्लोराइड फॉर्म हो गया एन एच टू सी एच टू आर सी ओ एच प्लस सी टू एच फाइव ओ एच प्लस एच सी एल तो सी एच थ्री पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा सी एच थ्री सी एच आर सी ओ सी टू एच फाइव सीएल माइनस uh, यहां पर क्लोराइड के फॉर्म में बन जाएगा एस्टर इसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ एसिड अमीनो एसिड्स फॉर्म सॉल्ट एसिड हेलाइड्स एंड एसिड एमाइड्स वेन ट्रीटेड विद एल्कलीज एसोसिएल टू एंड अमोनिया रेस्पेक्टिवली एल्कली के साथ रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट बनेगा एसओसीएल टू के साथ रिएक्शन करेंगे तो एसिड हेलाइड्स बन जाएंगे और अगर अमोनिया के साथ रिएक्शन करेंगे तो एसिड एमाइड्स फॉर्म हो जाएंगे यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के हम लोग रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं डी कार्बोक्सीलेशन अमीनो एसिड में भी डी कार्बोक्सीटेड बाई हीट एसिड्स बेरियम ऑक्साइड और स्पेसिफिक एंजाइम्स टू हील द करस्पॉन्डिंग एमीन अमीनो एसिड का जब हम रिएक्शन बेरियम ऑक्साइड के साथ या एसिड के प्रेजेंस में या हीट करते हैं उसको यह स्पेसिफिक एंजाइम के साथ तो ट्रीट करते हैं तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है और उसी का करस्पोंडिंग एमीन फॉर्म हो जाता है इसके बाद रिडक्शन अमीनो एसिड्स कैन बी रिड्यूस्ड टू तो द करस्पोन्डिंग अमीनो एल्कोहल्स बाय रिडक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एनएच टू सी एच आर सी ओ एच एल आई ए एल एच फोर एमिनो एल्कोहल्स बन जाते हैं ये जो सी ओ ओ एच ग्रुप है कार्बोक्सलिक एसिड ग्रुप का रिडक्शन हो जाता है और वो एल्कोहलिक ग्रुप में चेंज हो जाता है तो एनएच टू सी एच आर सी एच टू ओ एच एल्कोहल फॉर्म हो जाता है मेटल कीलेट फॉर्मेशन अमीनो एसिड्स फॉर्म कलर्ड मेटल कीलेट्स विद हैवी मेटल सॉल्ट सच एज कॉपर ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड के साथ जब अमीनो एसिड्स का रिएक्शन होता है तो वो कलर्ड कीलेट्स फॉर्म करते हैं इसके बाद इफेक्ट ऑफ हीट ऑन अमीनो एसिड्स ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है हीट का इफेक्ट अमीनो एसिड्स पर इसमें अल्फा बीटा और गामा तीनों अमीनो एसिड्स डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स देते हैं जिससे कि ये एक आइडेंटिफिकेशन भी रिएक्शन भी है कि ये अल्फा अमीनो एसिड है या बीटा है या गामा डेल्टा है द इफेक्ट ऑफ हीट ऑन अमीनो एसिड्स इज क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड

का रिएक्शन हो रहा है आ, मतलब उसको हीट कर रहे हैं 200 डिग्री पर और दो वाटर मॉलिक्यूल निकल रहे हैं और ये रिंग स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म हो जाता है टू फाइव डाई कीटोपिपराजीन फॉर्म हो जाता है इस तरीके से इसके बाद अगर हम बीटा अमीनो एसिड्स को देखें तो बीटा अमीनो एसिड्स एलिमिनेट्स अ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया जो अल्फा में देखिए आपने टू वाटर मॉलिक्यूल निकल रहे हैं बीटा में एक अमोनिया मॉलिक्यूल लिब्रेट हो रहा है ये देखिए ये जो है आपका बीटा अमीनो प्रोपियोनिक एसिड है इसको हीट किया इसको हीट करने पर एसिड फॉर्म हुआ और अमोनिया का एक मॉलिक्यूल निकल गया यहां पर देखिए डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया इसके बाद अब गामा और डेल्टा अमीनो एसिड्स ऑन हीटिंग फॉर्म लेक्टम आफ्टर एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ये देखिए ये आ, आ, गामा अमीनो ब्यूटानोइक एसिड है इसको जब हीट करेंगे तो हीट करने पर इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और ये लैक्टम फॉर्म हो जाएगा एक वाटर मॉलिक्यूल निकल गया और ये लेक्टम फॉर्म हो गया ये एक बहुत इम्पोर्टेंट रिएक्शन uh, है इफेक्ट ऑफ हीट ऑन अमीनो एसिड सो अल्फा बीटा एंड गामा तीनों के साथ अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं और uh, अल्फा के साथ जो है टू फाइव पेपराजीन बनता है बीटा के साथ एक एसिड बनता है और गामा के साथ लेक्टम बनता है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है uh, इसके बाद निन्हाइड्रिन रिएक्शन अमीनो एसिड्स हैविंग अ हाइड्रोजन ऑन द कार्बन बियरिंग द अमीनो ग्रुप, रिएक्ट्स विद निन हाइड्रिन टू गिव वेट कलर

कार्बो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है ये ये रिएक्शन अमीनो ग्रुप के टेस्ट कर, करने के लिए भी काम में आता है यूजफुल है उसका रिएक्शन uh, आज जो हम लोगों ने डिस्कस किया uh, वो अमीनो एसिड्स की प्रॉपर्टीज डिस्कस करी हैं uh, पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी कि ये कलरलेस स्टेबल हाई मेल्टिंग सॉलिड्स होते हैं इनका एक्वा सोलूशन जो होता है वो न्यूट्रल होता है और हाई डाइपोल मूवमेंट होता है फिर इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करी थी जिसमें कि हम लोगों ने अलग अलग दोनों ग्रुप की के रिएक्शंस देखे पहले अमीनो ग्रुप के रिएक्शंस देखे सॉल्ट फॉर्मेशन एल्काइलेशन एसाइलेशन एक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड एक्शन ऑफ नाइट्रोसिल्लोराइड एक्शन ऑफ फॉर्मल डिहाइड इसके बाद हम लोगों ने इसके कार्बोक्सिलिक ग्रुप की वजह से जो रिएक्शंस होते हैं वो पढ़े एस्ट्रिफिकेशन पढ़ा फॉर्मेशन ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स पढ़े डीकार्बोक्सिलेशन पढ़ा रिडक्शन पढ़ा मेटल की लेट फॉर्मेशन पढ़ा इसके बाद अमीनो एसिड्स पर हीट का क्या इफेक्ट होता है एल्फा बीटा और गामा अमीनो एसिड्स पर हीट का क्या इफेक्ट होता है वो हमने पढ़ा फिर एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन और हाइड्रीन रिएक्शन पढ़ा जो कि अमीनो एसिड आ, अमीनो ग्रुप का टेस्ट करने के लिए यूज में लिया जाता है निन हाइड्रीन टेस्ट कि निन हाइड्रीन के साथ वायलेट कलर का प्रोडक्ट अगर बनता है तो इट मीन्स अमीनो ग्रुप उसमें प्रेजेंट है थैंक यू